जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप अगर नए व्यूअर हो, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उसे आप दबाएं और इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा अच्छी और नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी राशि के लिए कि आप बड़ा आदमी कैसे बने। बहुत से लोगों की, बहुत से माओं की, बहुत से पिताओं की, बहुत से लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बड़ा आदमी बन जाए। तो बड़ा आदमी कैसे बने, उसकी कुछ सीक्रेट टिप्स हैं, कुछ सीक्रेट बातें हैं जो एक व्यक्ति में होना चाहिए, और ये बातें आज की इस आधुनिकता में आपको कोई नहीं बताएगा, जिन बातों से हम दूर रह रहे हैं। सबसे पहली बात, आज इतना नेगेटिविटी फैली हुई है कि कोई मदद करने के लिए 10 बार सोचता है, और बहुत सी घटनाएं हो भी रही हैं। तो बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले आपका नेचर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी हो रहा है, एक एक चीज़ जो भी घटित हो रही है, वो ईश्वर की इच्छा से घटित हो रही है। हम और आप केवल दोषी, हम और आप हमारे ज्ञान पढ़ लिख लिए हैं तो हम एक अलग ही वे में सोचते हैं कि हमने इसे पानी पिलाया तो घर में घुस के हमें कुछ करना दे, या हमने इसकी मदद की तो, और होता भी है, मैं उसका भी दूसरा पहलू भी ये नहीं है, लेकिन क्या आपके साथ होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो एक हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। दूसरी बात है कि बड़ा आदमी बनने के लिए, एक बड़ा व्यक्तित्व बनने के लिए, या किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए, उसका पैमाने आप नहीं नाप सकते कि इस शीर्ष पर पहुंच गए तो ये बड़ा हो गया, या इस शीर्ष पर पहुंच गए बड़ा हो गया। हर व्यक्ति अपने आप में बड़ा होता है, उसके पास वो अद्भुत गुण होते हैं जो किसी के पास नहीं होते हैं, और अगर वो उसी गुणों में अगर अच्छा करेगा तो ज़रूर बड़ा बनेगा। अब आपका बच्चा सिंगिंग अच्छा करता है और आप उसे कहते हैं कि नहीं आप तो IIT करिए, आप ये करिए, तो आप बताइए वो कैसे सफल होगा, जब उसका मन, उसका फ्लो, उसकी पूरी भूमिका है और वो सोचता भी दिन रात वही चीज़ है। तो अगर वो उस फील्ड में जाएगा तो कुछ अच्छा नहीं तो बहुत अच्छा कर पाएगा। ये बारीक बारीक चीज़ें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन बातों पर हमें फोकस करना है। तो पहली बात है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं खुद डिसाइड करें, उसमें क्या सीखना है, किस तरह से जाना है, क्या रास्ता होगा, और हमारे पास क्या अलग है उस फील्ड के लिए, जिस भी, क्योंकि हर फील्ड में एक व्यक्ति बड़ा अलग होता है, उस पर खुद फोकस कर, विचार विमर्श करें और उस तरफ आप आगे बढ़ जाएं। दूसरी बात है कि कई सारे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमें सब आता, ऐसा नहीं होता है। तो माँ बाप की राय बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जो माँ बाप आपके लिए करेंगे वो ज़रूरी है, लेकिन उन माँ बाप को भी मेरी ये हिदायत है कि वो अपने बच्चे का टैलेंट, उसकी जो काबिलियतें हैं, उसे एक बार खुद एनालिसिस कर ले कि हाँ ये अच्छा कर पाएगा। ऐसा नहीं कि आप सामाजिक या परंपरा के एक ढर्रे में आप है कि नहीं इसे इंजीनियर बनाना है, नहीं हमें इसे डॉक्टर बनाना है, या हमें जो भी बनाना है, वो सामाजिक ढर्रे की जो मानसिकता है उसे थोड़ा अलग सोचकर वो वास्तविकता में क्या कर सकता है उस पर आप एनालिसिस करें। आप दिन रात उसके साथ रहते हैं, बात बात करते हैं, बैठते हैं, तो उसमें वो खूबी ज़रूर होगी जो माँ बाप पहचान पाएंगे। तो बच्चों के लिए हिदायत है कि जो अपने माँ बाप चाहते हैं वो उनके लिए बेस्ट हैं, और माँ बाप भी ये सोचे कि उनके लिए क्या बेस्ट है, वो भी उनका दायित्व है। तो ये बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले जो सीढ़ी होती है यही होता है। आप कहीं सारे जाते हैं इनके माता पिता नहीं होते हैं। ये कंडीशन भी इस दुनिया में है, या जिनको कोई समझाने वाला या कोई बताने वाला नहीं है, ये भी है। तो ऐसे जातक उम्र का कोई भी पड़ा हो, दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 25 के हैं, 30 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं, 45 के हैं, 50 के, वहाँ से भी आप एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि हम जो दो रोटी की जद्दोजहद है वो पूरा करने के बाद जो हमारे पास वक्त बचे, हम उसे, उस समय को उस लक्ष्य के लिए डेडिकेट करें, उसके लिए काम करें। आप अच्छा राइटर, अच्छा सिंगर, अच्छा लेखक, आप अच्छा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, जो आप, जो आपके पास है वो मुझसे अच्छे से आप जानते हैं। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे आप एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। और कुछ हिदायत है कि आपको सात्विक रहना चाहिए, व्यसन से दूर होना चाहिए और हमेशा ईश्वर का जाप करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी कुंडली नहीं पता होती है। तो इन चीज़ों को करने के बाद कुंडली के जो बेस्ट बेस्ट जो हमें लाभ देने वाले ग्रह और मजबूत होते हैं, और हमेशा आपको फल अच्छा मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, फेसबुक ट्विटर पर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट्स करें, लाइक करें। जय श्री महाकाल।